तो हम आज बनाने वाले हैं व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस, और इसको ओपन करते हैं। तो आइए, मैंने इसको ओपन कर दिया। एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए, और इसके बाद में अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए जो आप बिजनेस अकाउंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसके बाद में हमारे फ़ोन पे थोड़ी देर बाद OTP आता है, जिससे आप OTP को डाल के आते हैं। एक बार कंफर्म करता है ये, तो फिर आप इसी नंबर को रखना चाहते हैं तो यही नंबर, वरना आप एडिट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपके फ़ोन पे OTP आए, 6 डिजिट का एक OTP आता है, तो आप इस पे 6 डिजिट का OTP डाल के आप इसको आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आगे कर दीजिए। और उसके बाद में परमिशन मांगता है, तो आप गैलरी से एग्जिट लेने के लिए कि आपका फ़ोटो हम लें ना लें, और बिजनेस अकाउंट के लिए फ़ोटो लोकेशन कुछ परमिशन मांगता है, तो आप इन परमिशनों को अलाउ करके, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सेफ्टी थ्रू होता है, तो आप इनको अलाउ करके अच्छे से पढ़ के अलाउ करिए। और इसके बाद में आप अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, और कैटेगरी पे चूज़ करके आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन डाल दीजिए, और आपका सेल्स रिलेटेड है तो सेल्स डाल दीजिए। जिससे रिलेटेड है आप उस पर चूज़ करके ऊपर आप सर्च करेंगे, तो सर्च बार में जो भी है आप सर्च करके वो डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने डाल दिया इंटरनेट कंपनी, और इसके बाद में आप इसका लोगो लगा सकते हैं। आपने लोगो बनाया है या आपने जो चूज़ किया है कि मैं इसको प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो गैलरी से जाके आप उसको चूज़ करके बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें फ़ोटो की साइज कम आ रही, तो मैंने एक दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट किया है, तो उसको लगा के देखते हैं, तो वो पूरे अच्छी तरीके से आ जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो प्रोफाइल तो अच्छी दिखनी चाहिए। तो वैसे मैं अपनी प्रोफाइल चूज करता हूँ, तो मैंने 1-1 से एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के रखा है। तो ये देखिए प्रोफाइल, तो मैंने प्रोफाइल पे चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका अकाउंट जस्ट फॉलो गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। या आप जैसे ही आप यूज़ पे क्लिक करके गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसके बाद में कुछ परमिशन मांगता है, ऑफर अवेटरी ब्राउजर शेयरिंग ऑफिसन सारे, आपका गेट स्टार्ट। अब आप रेडी हैं तो रेडी कर दीजिए। जैसे कि इसमें आप कुछ सामान को सेल करना चाहते हैं, तो आप इसमें सेल्स एड अ न्यू आइटम्स पे क्लिक करके आप सेल्स के लिए लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, जैसे आप शर्ट बेचना चाहते हैं तो शर्ट की फ़ोटो लगा दीजिए, ऐड अ इमेज पे करके आइटम्स के नाम लिख दीजिए, और उसका प्राइस लिख दीजिए, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं। नहीं लिखना चाहते तो ये देखिए आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। तो आप कीजिए, आप स्टेटस भी लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप एजुकेशन की क्लासेस लगा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, कुछ होते हैं बिजनेस टूल्स ऑटोमेटिक मैसेज। जैसे कि आप कहीं काम में बिजी हैं और आपके कस्टमर ने मैसेज, आप थोड़ी देर बाद एक्टिव हो, तो फिर आप इस पर क्लिक करके सेंड एनीवन मैसेज, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पहले से होता है, तो पहले से कुछ स्टिकर्स ऐड करके मैं इसको एनेबल कर देता हूँ कि जैसे कोई आए तो अभी पता चल जाए कि हाँ वो अभी व्हाट्सएप पर नहीं है, किसी काम में बिजी हैं, कुछ देर बाद आके वो हमको रिस्पॉन्स करेंगे। आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस अकाउंट है। तो मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा। बाद में आप बिजनेस का एड्रेस डाल सकते हैं, जहां से आप रिलेटेड बिजनेस का एड्रेस डाल दीजिए, और बिजनेस आवर्स कितनी देर तक ये खुला रहेगा आप डाल दीजिए। तो मैं ऑलवेज ओपन पर क्लिक करके ऑलवेज ओपन पर सेट कर देता हूँ, और उसके बाद में यह आप टाइमिंग हावर्स के हिसाब से लगा सकते हैं, संडे को खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। इसके बाद में आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं कि जिससे आप कंटेंट आसानी से ईमेल के थ्रू भी ले पाएँ, अगर कोई ऑर्डर्स लेने हैं या किसी से रिलेटेड बात करने हैं तो आप ईमेल को भी। इसके बाद में आप अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं, तो वेबसाइट को डाल के आप वेबसाइट जैसे यूट्यूब पर पहुँचाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद में नीचे प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद अगर आप और एक ऑटोमेटिक मैसेज पे इधर से आप अपना आइटम्स
चूज़ कर सकते हैं, और आप एक ऑटोमेटिक्स का मैसेज लगाना चाहते हैं कि हाँ आपको कैसी हेल्प चाहिए हमारी कंपनी के थ्रू, तो इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगी, वो आप एनमेनमल भी नहीं रहेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा हाँ इसको ये शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, अगर आप सेल से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो। और फिर आपका ये बिजनेस अकाउंट अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं फेसबुक को भी लिंक करना फेसबुक पे थ्रू, तो आप फेसबुक पे जाके इधर से अपना फेसबुक लॉगिन करके आप अपने फेसबुक को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप मार्केट प्लेस पे फेसबुक पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, या जिससे रिलेटेड हो उससे ऐड कर सकते हैं फेसबुक पे। इसी तरह आप इंस्टाग्राम को भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आजकल शॉप्स का ऑप्शन आता है, तो अगर आप शॉप्स चलाते हैं या पेज चलाते हैं तो उससे रिलेटेड आप इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस अकाउंट्स तैयार हो जाता है। तो ये कुछ जो टूल्स हैं, शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं QR कोड के द्वारा, लिंक के द्वारा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो आपका ये बिजनेस अकाउंट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। हमारे चैनल पे हाउ टू से रिलेटेड बहुत सारी अनेक वीडियो आने वाली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।